मानव सदस्य दीपाली दास। माननीय बाचस्पति महोदय, सर्वप्रथमे मुपण को एवं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देवा चाहिए मत सुजोग देवाई नवनिर्वाचित विधायक हिसाब से मुझे चाहिए जे भारत वर्ष से ओडिशा एकमात्र राज्य जोठारे कि नारीर सम्मान नारीर विकास नारीर उन्नति को सब बेले गुरुत्व दि जाए। आज आम समस्त प्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक पांच थर पर मुख्यमंत्री होती माँ मान आशीर्वाद पर महिला मान उन्नति एवं महिला होपराध को रोकवाई राज्य सरकार अन्यान्य समय रे अन्यान्य प्रकार पदक्षेप नहीं आम समस्त जाचु जो राज्य सरकार के तरफ रू गोटे सी आई डी सी भी अंडर सीएडब्ल्यू सी भी विंग करा जो थे कि केसेस को रेड फ्लैग केसेस नाम नामित अच्छी यही रेड फ्लैग केसेस जरिया 38% कन्विक्शन रेट ओडिशा बढ़ी चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन 29 इन्वेस्टिगेशन यूनिट फैमिली काउंसलिंग टोल फ्री नंबर ए सब गुड़ाक माँ मानक उन्नति पाई करा जाई किंतु लज्जार विषय एवं हस लगुच देखिकी जो मैंने नारीर सम्मान कथा लगुंट नारीर डेवलपमेंट कथा लगुंट से ही मैंने नारी को असम्मान कर आगुआ अच्छा दल रे महिला सांसद जन कही सी डजंट फील सेफ एज अ वुमेन लॉ मेकर टुडे इन दिस ऑस्पिशियस हाउस आई वुड लाइक टू आस्क हाउ डू यू फील सेफ मैडम अराउंड द पीपल ऑफ योर ओन पार्टी हू इज इन्वॉल्व इन सेवरल क्रिमिनल केसेस आई वुड लाइक टू गिव सम लाइट भारतीय जनता पार्टी जड़े वरिष्ठ नेता एवं लीडर ऑफ ऑपोजिशन 16 क्रिमिनल केसेस रे इन्वॉल्व अच्छा झारसुगुड़ा एवं पदपुर बाय इलेक्शन कैंडिडेट 12 केसेस एंड 13 क्रिमिनल केसेस रे इन्वॉल्व अच्छा टुडे आई वुड लाइक टू आस्क वेयर इज योर कॉन्शियसनेस वेयर इज योर प्रोटेस्ट व्हेन योर ओन लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाज असॉल्टिंग ऑन ऑन ड्यूटी लेडी पुलिसर इन संबलपुर वेयर वाज योर कॉन्शियसनेस व्हेन योर ओन लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाज असॉल्टिंग अ तहसीलदार एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन द प्रोटेस्ट Not only this, it's shameful and shocking to see that in their own ruling state they have rich history of atrocity against women. Not only this, in the house when they come in being a hurdle in the development of the people of Odisha, who is responsible and answerable for what happened in Begusarai? Who is responsible for what happened in Manipur? Who is responsible for what happened in Ujjain, where a 12-year-old child was gang raped in the middle of the day? Who is responsible for all this?